कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चपेट में आने के बाद मरीजों में लगातार एक के बाद एक नई बीमारी पनप रही है। शुरुआत में कुछ लोग इससे संक्रमित होने के बाद डायबिटीज के मरीज बन गए और कुछ को कोविड निमोनिया ने दबोच लिया। पिछले दिनों कई कोरोना संक्रमित की मौत दिल के दौरे से भी हुई, पर हाल ही में ही ब्लैक फंगस ने जबरदस्त तरीके से कहर बरपाया हुआ है। ब्लैक के बाद व्हाइट फंगस आया, अब येलो फंगस इन्फेक्शन भी आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपी के गाजियाबाद स्थित एक अस्पताल में येलो फंगस की पुष्टि हुई है। 45 वर्ष के एक व्यक्ति में येलो फंगस का संक्रमण मिला है। इस बीमारी को म्यूकर सपेक्टिस भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है येलो फंगस और पिछले दोनों फंगस से इसका इन्फेक्शन किस तरीके से अलग है। विशेषज्ञों की माने तो येलो फंगस के सिम्टम ब्लैक और व्हाइट फंगस दोनों से ही अलग है, जो शरीर के आंतरिक भाग से शुरू होता है। शरीर में मवाद के रिसाव के कारण यह संक्रमण बनता है। इसके लक्षण बाकी दोनों फंगस इन्फेक्शन से अलग हैं, लेकिन जैसे जैसे यह शरीर के अंदर बढ़ता है वैसे वैसे घातक रूप ले लेता है। इस फंगस की चपेट में आने के बाद अगर किसी को कोई घाव है तो उसमें मवाद का रिसाव होने लगता है और घाव बहुत ही धीमी गति से ठीक होता है। इस दौरान मरीज की आँख धस जाती है और कई अंग काम करना भी बंद कर देते हैं। उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है ना, वो भी खराब हो जाता है। येलो फंगस इसके सिम्टम कुछ इस प्रकार है: नाक का बंद होना, शरीर के अंगों का सुन होना, भूख न लगना, शरीर टूटना या दर्द होना, सुस्ती या थकान महसूस होना, शरीर की अत्यधिक कमजोरी होना, हार्ट रेट बढ़ जाना, शरीर में घाव का मवाद बहना, शरीर कुपोषण सा दिखने लगना, लगातार वजन कम होना, आंखों में धुंधलापन छा जाना, दसी हुई आंखें होना या आंखों के नीचे गड्ढे दिखना। गाजियाबाद के ईएनसी सर्जन डॉक्टर बीपी ने मीडिया रिपोर्ट में बताया कि अभी तक ये फंगस छिपकली और गिरगिट जैसे जीवों में ही पाया जाता था। डॉक्टर की माने तो रेप्टाइल्स को यह फंगस हो जाता है तो वह जिंदा ही नहीं बचता। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसानों के लिए यह फंगस कितना खतरनाक है। इसलिए जो मैंने पहले लक्षण बताए थे उसमें से कुछ भी आपको लगे कि है आप में तो तुरंत अपना इलाज करवाएं। डॉक्टर का कहना है कि पहली बार किसी इंसान में यह फंगस मिला है। डॉक्टर का कहना है कि ये येलो फंगस भी उन्हीं लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। जीव जंतु में भी यह उन्हीं को अपना शिकार बनाता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। लिहाजा अब आपको कोविड के साथ साथ येलो फंगस इन्फेक्शन से बचने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना ही होगा, वरना जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हुई अब वे सिर्फ कोविड की चपेट में ही नहीं बल्कि येलो फंगस भी उन्हें अपना शिकार बनाएगा। इस फंगस से बचने के लिए आपको साफ सफाई का आमतौर पर ध्यान रखना होगा। जानकारी के मुताबिक येलो फंगस गंदगी के कारण किसी भी मरीज को हो सकता है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों से समृद्ध फूड को अपनी डाइट में शामिल करें। बासी खाने को अपने आहार में किसी भी कीमत पर शामिल न करें। येलो फंगस इन्फेक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि यह न तो बिल्कुल नया है और न ही दुर्लभ है। वर्तमान में एम्फोरोसिन बी इंजेक्शन जो कि एंटी फंगल दवा है, येलो फंगस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए यही इंजेक्शन एकमात्र उपचार है। यह एक ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे इसके सिम्टम के बारे में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो वीडियो को तो पेज को फॉलो जरूर करें। एंड थैंक यू।